जल्दी जल्दी बोलो, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। कलयुग की शूटिंग 2004 तक, 2004 तक आगे रहा है 6 साल। 2004 तक कलयुग की शूटिंग बताई, लेकिन किस हिसाब से बताई? प्लानिंग पार्टी के हिसाब से बताई। अभी प्रैक्टिकल पार्टी का काम रहा हुआ है, वो भी शुरू हो चुका, वो अंत तक प्रैक्टिकल चल रही है। कुछ हुआ आपने समय के कर में जैसे समय लेता है, कुछ हुआ होता है, कुछ हुआ तो जब कर में जैसे कर्म करना चाहते हैं, कर्म करता बाकी समय लेता है, और आपने बच्चों को दृष्टि के पावर से बड़ा करता है, तो ज्ञान में इस तरह से क्या है? ज्ञान में टैली ये होता है, जो योगी तू आत्माएं हैं, ज्ञानी तू आत्माएं हैं, उनके अंदर ज्ञान की इतनी, याद की इतनी पराकाष्ठा होनी चाहिए, समय को, स्थिति को, वातावरण को, व्यक्तियों को देखते हुए, कि जब चाहे कर्म करें और जब चाहे कर्म न करें। कर्म करें तो कर्मेंद्रियां से काम करना ही पड़ेगा, कर्मेंद्रियों की प्रत्यक्षता होगी ही, कर्मेंद्रियां बाहर नहीं आएंगी, कर्म नहीं करेंगी तो कर्म संपन्न कैसे होगा? बाकी जब चाहे 1 सेकंड में अंतर ध्यान। दृष्टि के पावर से बच्चों को बढ़ाता है, दृष्टि के पावर से आपने बच्चों को बड़ा करता है। हाँ जी, और चला जाएगा, कौन सी वाणी में आया? प्रजापिता कैसे चला जाएगा? प्रजापिता 5000 वर्ष का पार्टधारी है या 50 वर्ष ब्रह्मा की तरह कम पार्टधारी है? है ये कौन सी विष्णु पार्टी निकल पड़ी? है मुल्ली में आया, मुल्ला जी ने नहीं बोला, देखना कहीं मुल्ला जी ने बोला हो ना। अरे मुरली में तो बताया है कि प्रजापिता सारी 500 करोड़ 700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का पिता है, वो तो ऑलराउंड पार्टधारी है, वो बीच में कैसे चला जाएगा? और झाड़ के चित्र में तो ऊपर दिखाया ही गया है शंकर का पार्ट, वो तो विश्व पिता कहा जाता है, वो तो सब आत्माओं को साथ लेकर के जाएगा, बीच में कैसे चला जाएगा? तो मुरली में कहां से आ गया है? जो सुबह योग मोदी क्लास करेगा सुबह क्लास तो सूर्यों से आता है बोले सूर्यों से में, और शाम को जो क्लास करता है वो दूसरे धर्म में जाना पड़ता है। और जो 7 दिन में 1 बार क्लास करते हैं वो जुम्मा जुम्मा नहीं है या संडे संडे गिरजाघर में जाने वाले नहीं है? है उनका तो प्रूफ मिल जाता है। बाकी सुबह या शाम की बात ऐसी है कि सुबह को भी लगन से क्लास नहीं किया, सोते सोते क्लास किया,
या बुद्धि नहीं लगी क्लास करने में, या जितना अलर्ट होकर के क्लास करना चाहिए उतना अलर्ट होके नहीं किया, और शाम को कोई ने अलर्ट होके क्लास किया, तो अमृत वेला किसका कहा जाएगा? जो अलर्ट होके करेगा उसका अमृत वेला है, क्योंकि संग में वो सारा ही कौन सा वेला है? अमृत वेला है। ब्रह्मा बाबा को 50 साल हो गए, कम हो गए। हाँ, बाबा को तो पहचाना नहीं था उन्होंने आदि में। हाँ, आदि में पाप को नहीं पहचाना। अभी पहचाना। वैसे क्या पाप होने वाला था उनसे जो उसमें शरीर 50 साल तक? पाप होने वाला था? जो कुछ होना होता है बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बन नहीं ना है। जो पाप होना होता है 63 जन्म में ही हो जाता है कि अब होता है? 63 जन्म में ही ऐसा पाप हो जाता है जिससे हर बात की शूटिंग संगमयुग में दिखाई पड़ती है। है 50 वर्ष नहीं है साकार में? क्यों नहीं? ड्रामा के लिए ये थोड़ी कहा जाता है। ड्रामा में ऐसा क्यों नहीं है? नाक यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ क्यों नहीं है नाक? कान यहाँ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? है हर आत्मा कुछ न कुछ पाप करती है। जो पाप करती है उस पाप के हिसाब से उसका मिलन या वियोग होता रहता है। है छोटा बच्चा है ना? छोटा बच्चा है क्यों? मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में सबसे बड़ा बच्चा है छोटा बच्चा है? है वो तो सबसे बड़ा बच्चा है। और हाँ, ये कहें कि चंद्रवंशी जो हैं वो बच्चा मुआफिक हैं, बच्चा बुद्धि हैं, और सूर्यवंशी बाप समान है। सूर्य बाप को कहा जाता है, माता पृथ्वी को कहा जाता है, और चंद्रमा उपग्रह है माने बच्चा है। किसका? माँ बाप दोनों का। और है महाराष्ट्र नहीं, हाँ हिंदी बोलो, हिंदी। 2018 तक 50 वर्ष पूरे होते हैं। हाँ, 2018 कृष्ण का जन्म होना चाहिए, तो हो गया। जिस कृष्ण का जन्म शास्त्रों में गाया जाता है, भक्ति मार्ग में मनाया जाता है, वो जन्म 2018 में हो जाता है। इस कारण के कारण को है ना? वो सिर्फ माता भाई ने सच्चा जी के ना तो बोले नहीं सत्युग में मनाया, सत्युग का जन्म मनाया जाता है शास्त्रों में। भक्ति मार्ग में जो मनाया जाता है रात्रि के 12 बजे कृष्ण जयंती मनाई जाती है, वो सत्युग की यादगार है। फिर 2018 में बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया और सारी दुनिया घोर अंधकार में गिरी हुई होती है। उस घोर अंधकार के टाइम पर पहली पहली आत्मा जो सदा काल के लिए निश्चय बुद्धि होकर तैयार होती है वो है कृष्ण की आत्मा। एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं, एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं। तो 2018 में जैसे रात्रि के 12 बज गए और कृष्ण की जन्म रूपी जयंती होती है, उसके बाद फिर नंबर वार सभी निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। जब कृष्ण बच्चे के ऊपर सारा ड्रामा है, है
है नहीं ड्रामा, पहला पत्ता कौन है, है? और हाँ पति से पावन बनेंगे कब, श्रीमत पर चलेंगे तब बनेंगे या अपनी मनमत पर चलेंगे चलाएंगे तब बनेंगे? तो हम खुद श्रीमत पर चलें और दूसरों को श्रीमत पर चलाने के लिए बाध्य करें तो पति से पावन बनेंगे? और परमधाम से जो आत्मा आएगी वो परमधाम में गई कब थी, है? कलयुग अंत में जब गई थी तो पावन होके गई थी या पतित होके गई थी? तो पावन होके गई थी तो वहाँ पांच तत्वों का असर पड़ता है क्या? पांच तत्वों का संघ का रंग लगता है क्या? ऐसा तो कुछ है नहीं, वहाँ जो चीज जैसी है वैसी पड़ी रहती है। जब टाइम होता है तो पृथ्वी का आकर्षण पांच तत्वों का आकर्षण उसे खींचता है, उसकी शूटिंग के हिसाब से, अंतमते सुगते के हिसाब से। और वो आत्मा नीचे आती है तो पावन ही आती है, पतित होगी कैसे आएगी? हाँ, पावन होने की कोटि अपनी अपनी है। द्वापर युग में उतरेगी उसकी कोटि अपनी है, परसेंटेज अपनी है। कलयुग के आदि में उतरेगी उसकी परसेंटेज पावन की अपनी है। कलयुग अंत में भी आत्माएं उतर रही है, आचार्य रजनीश वगैरह धर्म पिताएं नहीं है लेकिन महान आत्माएं हैं, वो प्रवेश करती हैं तो पावन होकर के ही तो प्रवेश करती है। जब पतित बनती है संघ के रंग से तो नीचे उतर जाती है। उनके ऊपर से नीचे आने से वायुमंडल खराब नहीं होता, वायुमंडल खराब होता है जो ऊपर से ही आत्माएं आ रही हैं और नीचे नीचे कर्म करती जा रही हैं। उनसे सात्विक आत्मा वायुमंडल खराब करेगी या अच्छा बनाएगी? अच्छा बनाएगी, खराब क्यों करेगी? हाँ, दुष्टों के संग के रंग में जब आती है तमो प्रधान आत्माओं के संग के रंग में तब पतित बनती है। हाँ बोलो आगे। तो यहाँ तो राजा पर्दे के अंदर है और रानियाँ घूम रही हैं। राजा पर्दे के अंदर है, एडवांस पार्टी में राजा है, हाँ। तो संगम युग में उल्टा होना चाहिए ना, संगम युग में उल्टा होना चाहिए या सीधा ही होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि राजाओं ने स्वच्छंदता बहुत भोगी है तो उनको थोड़ा दंड मिलना चाहिए और रानियों ने स्वच्छंदता नहीं भोगी है, बंधन में स्वेच्छा से रही है, इसलिए भगवान बाप आते हैं तो उनको स्वतंत्र कर देते हैं। आपको खराब लग रहा है क्या? और प्रश्न आया है, शिव बाबा
ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं और शंकर में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार शिव विष्णु में प्रवेश करते हैं क्या? है? ब्रह्मा में प्रवेश होता है सुनने और सुनाने के लिए, शंकर में प्रवेश होता है तीसरा नेत्र समझने और समझाने के लिए, लेकिन न सुनने सुनाने से काम पूरा होता है और न समझने समझाने से काम पूरा होता है। काम पूरा कब होता है? जब प्रैक्टिकल में काम किया जाए। तो प्रैक्टिकल काम करने वाला भी कोई निमित्त चाहिए या नहीं चाहिए? ब्रह्मा के द्वारा जो सुनने सुनाने का काम हुआ, साक्षात्कार करने का काम हुआ, वो पूर्व जन्मों में पहले क्यों नहीं हो गया? इससे साबित होता है कि शिव बाबा ने ही प्रवेश करके वो सुना और सुनाया और साक्षात्कार कराया। वो सहन शक्ति का नमूना बन करके ब्रह्मा बाबा को ऐसी स्टेज में लाने वाली आत्मा कौन? नहीं, शिव बाप। दादा लेखराज ब्रह्मा ने पिछले 63 जन्मों में इतना सहन करके क्यों नहीं दिखाया? ये सहन शक्ति कहां से आई? शिव बाप से आई। ऐसे ही शंकर में या राम वाली आत्मा में समझने और समझाने का मादा कहां से आया? 63 जन्म में वो मादा क्यों नहीं आया? शास्त्रों के रहस्यों को खोल लेगा कि किसने समझा और समझाया? शिव बाप ने समझाया समझाया। ऐसे ही जो प्रैक्टिकल कर्म करने का काम है वो कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती, वो सिर्फ शिव बाप ही है जो कोई निमित्त आत्मा के द्वारा उसकी प्योरिटी के आधार पर वो कार्य संपन्न करा देता है, ताकि दुनिया में ये बात प्रख्यात हो जाए कि दुनिया के सारे अच्छे काम प्योरिटी के आधार पर होते हैं। जितनी प्योरिटी होगी उतना कार्य सहज संपन्न हो जाएगा, प्योरिटी नहीं होगी तो कार्य में सफलता नहीं होगी। बाकी विष्णु में इतनी ताकत नहीं है, ताकत होती तो 63 जन्मों में ही वो कार्य करके दिखा देती। लेकिन लक्ष्मी की आत्मा कहो, वैष्णवी की आत्मा कहो, वो भी जन्म जन्मांतर फेल होती आई, चाहे पद्मिनी जैसा पार्टी क्यों न बजाया हो तो भी फेल हो गई। पास तो नहीं कहेंगे, तो पास कराने वाला कौन? शिव बाप। हाँ जी, है किस बात में धोखा हो गया? आपने बोला है साकार में मेरा अभ्यास करो, इस बात में आपको धोखा हो गया? नहीं सुनो, आज तीन दिन पराकाष्ठा हो रही है, आज तीन दिन पराकाष्ठा हो रही है, पराकाष्ठा हो गई याद की? दोनों साथ सती आजादी है, दोनों साथ सती आजादी, दोनों साथ सती आजादी है। हाँ, साथ सती आजादी तो अच्छी बात है ना। अगर सिर्फ निराकार पहले याद आ जाए और साकार बाद में याद आए तो टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि साकार के साथ ही निराकार कुछ कार्य करेगा, नहीं तो कार्य नहीं कर सकता। इसलिए सिर्फ निराकार याद आना जैसे कि टाइम वेस्ट हो गया। निराकार साकार के द्वारा ही नई दुनिया स्थापन करता है, नहीं तो नहीं कर सकता।
और विधर्मी आत्माएं जो हैं वो सिर्फ निराकार को मानती हैं, इसलिए वो स्वर्ग में नहीं आती है। निराकारी याद आता है तो साकारी याद आता है, तो आपको याद आता है ना सबको, तो क्राइस्ट को, इब्राहिम को, बुद्ध को, क्राइस्ट को थोड़े साकार याद आता है। आपकी आत्मा की कैटेगरी अलग है और उनकी कैटेगरी अलग है। ये कोई नियम नहीं है कि जब निराकार याद आता है तो साकार जरूर याद आ जाता है। आपका फाउंडेशन ही ऐसा पड़ा है, जन्म जन्मांतर का फाउंडेशन ऐसा है, 63 जन्म की बनी बनाई बन रही, कुछ नई नई बन रही है। और उन विधर्मियों का हिसाब किताब ही दूसरा है। मेरी गलती क्या है? कौन कह रहा है गलती है? गलती किसने बताई? मेरी क्या कमतरता है? हैं? मेरी कमतरता क्या है? आपकी गलती क्या है? कमतरता क्या है इसकी? कमी? आपकी कोई कमी नहीं, कमी क्या है? ये कमी की बात है, प्रवृत्ति में याद आना ये कमी है, कमी की बात है कि अच्छा ही है। लेकिन क्या आपके आपके नजर में क्या है? आप अपने अंदर से पूछो, सुनीता माता क्यों नहीं दिखाई देती हैं? आप हमसे न पूछो, समझानी चाहिए वो क्या सुनना सुनाना समझना और समझना धारण करना और कराना सदगति किसके द्वारा गाई हुई है? है बाप, टीचर और सदगुरु। सदगति किसके द्वारा है? सदगुरु। तो सदगुरु साकार में होना चाहिए या निराकार में? साकार में। तो ब्रह्मा ही वास्तव में विष्णु बनता है तब ही सदगति होती है, नहीं तो सदगति नहीं हो सकती। तीन मूर्तियां हैं और तीन मूर्तियों में दो मूर्तियां और ऐड होती हैं तब पंचमुखी ब्रह्मा बनता है। विष्णु की भुजाएं बनती हैं, शंकर के पांच मुख बनते हैं, पंचानन कहा जाता है। ये पांचों आत्माएं हैं, वो आत्माएं स्वयं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? विष्णु की चार भुजाएं और एक उनको चलाने वाला, ब्रह्मा के पंच मुख या चार मुख या शंकर के पांच मुख, ये चारों और पांचों जो है वो स्वयं आत्माएं हैं या परमात्मा हैं? ये आत्माएं तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? संगम युग में अभी तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा सेवा करेगी या डिससर्विस करेगी? डिससर्विस करती है। तो कौन करता है उनमें सर्विस? बाप ही सर्विस करता है। शिव बाप हम बच्चों के द्वारा सेवा कराता है, ये अहंकार नहीं आना चाहिए। चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, चाहे ब्रह्मा हो,
ये अहंकार घातक है कि मैं करने वाला हूँ। निमित्त मात्रम भव सब विसाचिन, अर्जुन को निमित्त मात्र बनना है, इसी में कल्याण है। ड्रामा कब खत्म होगा? पूरा होगा। ड्रामा हमारे लिए कब खत्म होगा या सबके लिए कब खत्म होगा? आपका प्रश्न अपने लिए है या सबके लिए है? पाँच चार वर्ष का ड्रामा लगातार चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। ये अनादि ड्रामा है, जो अनादि है वो अनंत काल तक चलता है। अगर आदि कहें तो प्रश्न पैदा होता है कब हुआ आदि, फिर प्रश्न होगा किसने किया आदि, आदि करने का निमित्त कौन है। इसलिए ड्रामा कब शुरू नहीं होता, कब अंत नहीं होता, अनादि अनंत है। हमारी आत्मा का पार्ट भी अनादि है और अनंत है। एक प्रश्न एक बार में पूछना चाहिए, 10 प्रश्न इकट्ठे करके पूछने से। प्रश्न है, शिव पर बलि चढ़ते थे भक्ति मार्ग में, काशी करवट खाते थे, ये रूढ़ियों की शूटिंग कैसे होती है? काशी करवट खाते हैं, तो कुएं में कूदते हैं, कुएं में अंधेरा है या रोशनी है? अंधेरे में कूदना माना अंधकार में कूदना, अज्ञान में कूद जाना, अंधविश्वास में अपने को नष्ट कर देना। लेकिन विश्वास पूर्वक करते हैं, भले अंधविश्वास भी है तो भी इतना फायदा होता है कि पूर्व जन्म के पाप सब भस्म हो जाते हैं, लेकिन नए सिरे से पाप तेजी से बनना शुरू हो जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि बिना समझे बूझे अंधश्रद्धा पूर्वक अर्पण हो गए तो कोई कालकंटक दूर हो जाएगा, सदा के लिए सदगति हो जाएगी? नहीं, ये अल्पकाल की प्राप्ति है। अंधश्रद्धा से, अंधी भक्ति से अल्पकाल की प्राप्ति होती है, सदाकाल की प्राप्ति तो भगवान स्वयं आकर के करता है। जो अभी संगम युग में कर रहा है उस भगवान को भी 100% पहचान चाहिए। ऐसे नहीं थोड़ी सी परीक्षा आई, मिट्टी की ढेले की तरह एक ठोकर लगी माया की और टूट पड़े तो कहेंगे अंधश्रद्धा में ही चल रहे हैं, ये रूढ़ियों की शूटिंग यहाँ ही होती है, दूसरी जगह नहीं होती है। ऐसे ही देवियों पर बलि चढ़ना, कोई ऐसे हैं जो शिव को नहीं पहचान पाते लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के ऊपर अर्पण हो जाते हैं, तन मन धन समय संपर्क संबंध सब न्यौछावर कर देते हैं, उनको कहते हैं देवी के पुजारी।
बाबा ने बोला है देवी के पुजारी होते हैं रावण संप्रदाय, ऐसे रावण संप्रदाय वो भी आंख बंद करके देवियों पर अर्पण होते हैं, वो भी अंधश्रद्धा है। देवियों से अल्पकाल की प्राप्ति हो सकती है, सदाकाल की प्राप्ति नहीं होती। सदाकाल की प्राप्ति तो एक ही परमपिता परमात्मा से होती है, बाल विवाह, बचपन में शादी कर देना। भगवान बाप भी आते हैं तो कोई ऐसे है जो बच्चे समझदार भी नहीं हो पाते और अर्पण कर देते हैं, बालकपन में ही अर्पण कर देना, कम से कम कुछ तो बुद्धि में ज्ञान आए, कुछ तो श्रद्धा विश्वास बैठे, तो अर्पण करना अच्छी बात है। बाबा का पाठ क्या? भैरव कहते हैं भयंकर, और नाथ माने स्वामी, नाथने वाला, नाथ में नकेल डालने वाला, अर्थात भैरव की भी नाक में नकेल डाल दे वो कौन? शिव बाबा। मथुरा का बेहद अर्थ क्या है? और हमारी दादी का नाम मथुरा था, माताओं का नाम मथुरा क्यों रख दिया? मथुरा पुरुष का नाम होना चाहिए या माता का नाम होना चाहिए? हैं? क्यों है? ब्रह्मा, हाँ कृष्ण का मंदिर है, कृष्ण तो को माँ थोड़े ही है, कृष्ण तो बच्चा है। मथ कहा जाता है मथना, और उर कहा जाता है जांग को, जहाँ जांग को मथा गया उसका नाम पड़ गया मथुरा। ए क्या क्या करें इसका? काहे के लिए दिया? और कोई भगत सिंह को फांसी क्यों लगाई गई? अरे यथा राजा तथा प्रजा, राजा क्रूर है, हिंसक है, तो प्रजा भी कैसी होगी?
प्रजा भी क्रूर होगी और हिंसक होगी। वास्तव में अंग्रेजों का जब राज्य था तो उनका राज्य अपने देश पर था या पराये देश पर राज्य था उनका है? उन्होंने राज्य किया पराये देश पर, माने भारतीयों के ऊपर राज्य किया। तो वो क्या चाहते थे कि जैसे हम हैं वैसे भारत के लोग भी हमारी तरह बन जाएं, हमारी संस्कृति वो अपनाएं, और नहीं अपनाया तो उन्होंने क्रूर शासन किया। उस क्रूरता के शासन को भारतवासी स्वीकार नहीं कर सकते। ये माता पिता का देश है, माता पिता के देश में माता पिता का कर्तव्य क्या होता है? बच्चों के ऊपर रहम करना या बच्चों के ऊपर क्रूरता करना? रहम करना। तो वो बात अंग्रेज लोग नहीं जान सके, नहीं समझ सके, उन्होंने क्रूरता का व्यवहार किया, इसलिए भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया। वाह भैया, चलो ओम शांति। कोई आत्मा टाइम पे नहीं आती है, दोबारा मुरली सुनना चाहती है तो उसको मुरली वो नहीं चलता है। एक आत्मा एक दिन आएगी लेट, दूसरी आत्मा दूसरे दिन आएगी, तीसरे दिन आत्मा तीसरी आएगी, हर आत्मा को ऐसे सुनाते रहेंगे? एक फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम पर आओ और सुन के जाओ। नहीं है, हाँ हाँ सुनने के लिए दे दो।